दुनिया में अगर किसी भी देश में सबसे ज्यादा अरबपति हैं तो वह अमेरिका है। फोर्ब्स 2020 वर्ल्ड्स बिलियनर लिस्ट के अनुसार इस देश में कुल 614 अरबपति निवास करते हैं, जबकि अमेरिका के दो मुख्य शहर कैलिफोर्निया एवं न्यूयॉर्क में करीब 200 से ज्यादा बिलियनर मौजूद हैं। फाइंडर्स, जिस देश में ऐसे लोगों की संख्या इतनी अधिक हो वहां पर निश्चित तौर पर इस सूची के प्रथम व्यक्ति की गणना दुनिया के सबसे अमीर लोगों में होनी जायज है। इसके साथ ही प्रायः देखने में आता है कि जितने भी धनवान व्यक्ति होते हैं उनकी आय के स्रोत भी कई प्रकार के होते हैं। तो फाइंडर्स, आज के इस वीडियो में हम अमेरिका के सबसे अमीर आदमी के बारे में चर्चा करेंगे, इसके साथ ही इनकी संपत्ति के बारे में भी विस्तार से जानेंगे। तो चलिए खोजना शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि अमेरिका के सबसे अमीर आदमी कौन है। फाइंडर्स, अमेरिका के सबसे अमीर आदमी जेफरी पेस्टन बेजोस यानी कि जेफ बेजोस हैं, जो वर्तमान समय में न केवल अमेरिका के बल्कि इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। 26 अगस्त 2020 के आंकड़ों के अनुसार इनकी कुल संपत्ति 204.6 बिलियन यूएस डॉलर थी, जो इन्हें संसार का इकलौता ऐसा इंसान बनाती है जिनकी संपत्ति 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। इस ग्रह के सबसे अमीर आदमी होने के अलावा इनकी पहचान एक बिजनेसमैन, उद्योगपति एवं मीडिया प्रोपेरिएटर के रूप में होती है। वर्ष 2018 में फोर्ब्स ने बेजोस को फार रिचर देन एनीवन एल्स ऑन द प्लैनेट जैसे टाइटल से संबोधित किया था, जबकि 2017 से दुनिया की सबसे अमीर शख्सियत होने के कारण इनको रिचेस्ट मैन इन मॉडर्न हिस्ट्री भी कहा जाता है। आइए अब जेफ बेजोस की लाइफ के बारे में खोजते हैं। फाइंडर्स, जेफ बेजोस का जन्म 12 जनवरी 1964 को अल्बुक्यूकी के जेफरी प्रिस्टन जॉर्गेंसन में हुआ था, जो न्यू मैक्सिको में स्थित है। जिस दौरान बेजोस का जन्म हुआ था उस समय इनकी माँ टेड जॉर्गेंसन मात्र 17 साल की स्कूल स्टूडेंट थी, जबकि इनके पिता जैकलिन एक बाइक शॉप के मालिक थे। उस समय बाद इन दोनों का तलाक हो जाने के कारण अप्रैल 1968 में इनकी मां ने माइगल माइक बेजोस से शादी कर ली, जो पेशे से एक इंजीनियर थे। इसके बाद जेफ को बेजोस सरनेम मिला और इनका परिवार ह्यूस्टन टेक्सास में जा बसा। बेजोस ने अपनी शुरुआती शिक्षा ह्यूस्टन के रिवर ओक्स एलिमेंट्री स्कूल से पूरी की। इसके आगे की पढ़ाई इन्होंने मियामी पाल्मेटो हाई स्कूल से फ्लोरिडा में आ बसने पर पूर्ण की। फाइंडर्स, बेजोस को साइंटिफिक एवं टेक्नोलॉजिकल वस्तुओं से बचपन से ही लगाव था, जिसके चलते इन्होंने 1986 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस विषय में बैचलर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। ग्रेजुएशन के बाद जेफ को कई सारी जॉब ऑफर हुई, जिसमें इन्होंने सबसे पहले विटेल में काम किया, जो कि एक फिनटेक टेलीकम्युनिकेशन स्टार्टअप था, जहां इनको अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक नेटवर्क के निर्माण का कार्य सौंपा गया था, जिसके बाद इनको प्रमोशन मिलता गया। 1990 से 1994 तक बेजोस ने डी सा एंड कंपनी में काम किया, जो एक नया हेज फंड था। इसके बाद 1993 में इन्होंने ऑनलाइन बुक स्टोर खोलने का निर्णय लिया। 1994 में न्यूयॉर्क सिटी से सिएटल की अपनी क्रॉस कंट्री ड्राइव के दौरान इन्होंने अपने व्यवसाय के प्लान को तैयार किया। इस प्रकार 5 जुलाई 1994 को इन्होंने अमेज़न की शुरुआत की। फाइंडर्स, आपको बता दें, पहले अमेज़न का नाम कैडबरा रखा गया था, फिर उसके बाद अमेज़न रिवर के नाम पर इसका नया नामकरण अमेज़न किया गया था। इस कंपनी ने धीरे धीरे ई कॉमर्स के क्षेत्र में अपना वर्चस्व बना लिया, और बाद में इसके अलावा भी इसने अपनी सेवाएं वीडियो एंड ऑडियो स्ट्रीमिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एआई जैसे क्षेत्र में भी प्रारंभ कर दी। इसका नतीजा यह हुआ कि यह वर्तमान समय में रेवेन्यू के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। फाइंडर्स, अब अगर हम बेजोस की व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इन्होंने 1994 में मैकेंजी स्कॉट से अपना विवाह रचाया था। इनके कुल 4 बच्चे हैं, जिनमें से 3 लड़के जबकि एक लड़की है, जो इन्होंने चीन से अडॉप्ट की थी। 4 अप्रैल 2019 को इन दोनों का डाइवोर्स हो गया था, जिसके चलते मैकेंजी को अमेजन स्टॉक के 25% शेयर मिले थे, जिनकी कीमत करीबन 35.6 बिलियन डॉलर थी। बाकी के अन्य 75% शेयर जेफ के हिस्से में आए थे।
आइए फाइंडर्स अब जानते हैं कि जेफ बेजोस कौन कौन सी कंपनी के मालिक हैं। फाइंडर्स वर्तमान समय में जेफ बेजोस अमेजॉन एवं ब्लू ओरिजिन कंपनी के मालिक हैं, और जैसा कि आप सभी जानते हैं अमेजॉन एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है जिसका मुख्यालय अमेरिका के सिएटल शहर में स्थित है। यह कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में कार्य करके हजारों करोड़ों की आय वसूलती है। इसके अलावा कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज अमेजॉन प्राइम, अमेजॉन म्यूजिक, ट्विच एवं ऑडिबल के लिए भी अमेजॉन दुनिया भर में जाना जाता है। जबकि ब्लू ओरिजिन एक एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट सर्विसेज कंपनी है जिसका मुख्यालय कैंट वाशिंगटन में स्थित है। उम्मीद करते हैं फाइंडर्स अमेरिका के सबसे अमीर आदमी के बारे में हमारी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लें ताकि आप इसी प्रकार के वीडियोस लगातार प्राप्त करते रहें। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। गुड बाय, टेक केयर।